स्टूडेंट्स, आज आपका जीके के फिर से लेक्चर है। और इसमें देखिए 37 विच क्विज एंड जो 38 जर्नल क्वेश्चन, यही दो चैप्टर बाकी हैं, ठीक है। तो फिर आपका जो सेम टू का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये दो देख लेते हैं। फर्स्ट है विच क्विज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन के आंसर आपको बॉक्स में से ढूंढ के बताना है। तो फर्स्ट है विच ग्रेट मौर्यन किंग गेव अप वॉर फॉर एवर। तो इसमें जो मौर्यन किंग है तो उसमें आएगा मौर्यन किंग अशोका, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पता ना चले तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि अशोका का स्पेलिंग यहाँ पे मैंने तो लिखा है, अगर पता ना चले तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर है विच बर्ड वॉज यूज टू कैरी मैसेजेस। तो मैसेजेस वगैरह के लिए कौन से बर्ड का यूज होता था, पिजन का। पिजन माने जो कबूतर कहते हैं ना। विच सिटी इज द कॉल्ड द सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स। तो स्काई क्रैपर्स मतलब कि क्या बोलते हैं, जो स्काई जैसे जो विमान वगैरह होते हैं ना उनका क्या बोलते हैं कि वो टूट जाते हैं तो उनका रिकवरी होने वाली सिटी, वहाँ पे जो विमान वगैरह थे उनका अच्छी तरह से ख्याल रखते, मतलब कि उसमें से जो हम कहते हैं ना कबाड़ वगैरह, कूड़ा नहीं लोखन वगैरह, तो वहाँ पे जो विमान है रॉकेट तब तो नहीं थे बट विमान वगैरह टूट जाते हैं तो उनकी मरम्मत करके न्यू बनते हैं, तो उसमें आएगा न्यूयॉर्क। फिर है विच इज़ द हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी, तो उसमें फील्ड मार्शल आएगा, ठीक है, कि जो हाईएस्ट रैंक होता है इंडियन आर्मी में तो उसमें फील्ड मार्शल। फिर नेक्स्ट है विच गैस इज़ यूज बाय प्लांट टू मेक फूड, तो जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाने के लिए कौन सा गैस यूज़ करते हैं, तो उसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप नेक्स्ट ईयर 6 में जाओगे तो उसमें साइंस में पूरा इस पे चैप्टर है। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मोस्ट पीपल इन इंडिया, इंडिया में हम ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हिंदी, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट मतलब कि न्याय की जो अदालत होती है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। फिर विच वेजिटेबल्स मेक यू क्राई, तो आप ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जिसको काटने से या मतलब काटने से ही आँखों में पानी आ जाता है, तो उसमें आंसू आ जाते हैं, उसमें ऑनियन आएगा, ठीक है, ऑनियन यहाँ पे मैंने लिखा है। विच फ्रूट्स ग्रोज इन ब्रांचेस, तो जो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका विच फ्रूट्स ग्रोज इन ब्रांचेस, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जो ब्रांचेस में ग्रो करता है, तो उसमें ग्रेप्स आएंगे। आपने ग्रेप्स द्राक्ष खाई होंगे ना, वो ब्रांच में होता है ना। द ब्रांच ऑफ विच ट्रीज एन एम्बलम ऑफ पीस, तो उसमें ऑलिव लीफ, ऑलिव के लीफ हैं वो एम्बलम ऑफ पीस का, शांति का प्रतीक माना जाए। विच इज़ द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड गिवन इन इंडिया, तो उसमें भारत रत्न, तो भारत रत्न है वो सबसे सिविलाइजेशन वाला अवार्ड है। विच इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें कांगारू आएंगे, कैंगारू। विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, अगर आपको मैंने लिखा है वो समझ में ना आए तो लुम्बिनी। उसके बाद है विच किंग हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो उसमें समुद्रगुप्ता, तो उसमें समुद्रगुप्ता यहाँ पे भी लिखा है समुद्रगुप्ता। उसके बाद है विच गैस इज यूज इन अ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का। विच ड्रिंक इज ब्रूड फ्रॉम द लीव्स ऑफ बस, तो उसमें टी आएगा, कि टी का यूज़ करते हैं बस की बनाने के लिए टी का यूज़ करते हैं। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा, तो लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण कौन सा क्या बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके घूमते थे, मतलब कि प्रतीक भी उनका माना जाता है, उसमें आएगा फ्लूट। फ्लूट मतलब कि हम बोलते हैं ना बांसुरी, ओके। तो 37 हो गया। अब नेक्स्ट है 38 जर्नल क्वेश्चन है। तो फॉर द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थ्री ऑप्शन आर गिवन, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं, सॉरी क्वेश्चन दिया और उसके तीन ऑप्शन दिए हैं, तो जो भी ट्रू हो उनको ऐसे राइट की निशानी करनी है। तो फर्स्ट है वो इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध ही कहते हैं, ठीक है, चलो। उसके बाद नेक्स्ट है विच मुगल रूलर इज बिल्ड ताजमहल, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। फिर हाउ मैनी वेदास आर देर, तो हमारे यहाँ चार वेदास हैं, ठीक है, चार वेद। वेयर वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हेल्ड, उसमें एथियंस आएगा, एथियंस में फर्स्ट वर्ल्ड ओलंपिक्स खेली गई थी,
वेयर इन इंडिया इज़ अ फेस्टिवल ओणम सेलिब्रेटेड, तो सेलिब्रेटेड कहाँ होता है ओणम, केरला में। विच सिटी इज़ अ कॉल द सिटी ऑफ सेवन हिल्स, तो उसमें रोम आएगा, ठीक है। अपने वो फोटो देखा होगा ऐसे बिल्डिंग का, ऐसे सेवन वो थोड़ा टेढ़ा है इस तरह का रोम का। वेयर इज़ द गोबी डिजर्ट, तो उसमें इन मंगोलिया, मंगोलिया के में गोबी डिजर्ट है। वो इज़ द स्टार्ट बॉडम एंडोलन, सॉरी वो इज़ द वो स्टार्ट बोडन आंदोलन, तो विनोबा भावे। वो इज़ द स्टार्ट गेटिंग जय हिंद, तो जय हिंद का नारा किसने लगाया था, सुभाष चंद्र बोस। फिर टेन है, वेयर इज़ द रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें श्रीहरिकोटा सेकंड, श्रीहरिकोटा में जो रॉकेट लॉन्चिंग का स्टेशन है इंडिया में। व्हाट इज़ द कोणार्क फेमस फॉर, तो कोणार्क में क्या फेमस है, सूर्य मंदिर। When was India declared a republic? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को क्या बोलते हैं इंडिया आज़ाद हुआ था, ठीक है, कि फ्रीडम मिली थी तब। विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन, तो इसमें पैसिफिक ओशियन जो डीपेस्ट ओशियन है। वो इज़ द होली बुक ऑफ पेरिस नोन एज, तो जैन अवेस्टा, ठीक है, कि होली वहाँ, सॉरी होली बुक वहाँ की जैन अवेस्टा, जैसे क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ बाइबल है, फिर महाभारत, हाँ भगवद गीता है, कुरान है, तो इसी तरह वहाँ पे जैन अवेस्टा, ठीक है। हाउ मैनी लीटर आर देर इन अ गैलन, तो गैलन में कितने लीटर होते हैं, 4.5। वो वॉज द फादर ऑफ साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के और साइंस, सॉरी वो वॉज द फादर ऑफ साइंस ऑफ मैथमेटिक्स, तो साइंस और मैथमेटिक्स के फादर आर्यभट्ट। वॉट वेयर गांधी जी लास्ट वर्ड, तो गांधी जी के लास्ट वर्ड थे हे राम। वेयर इज़ द इंडियन मिलिट्री अकेडमिक लॉक, देहरादून, ठीक है, तो देहरादून में। वो वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट वो टू विन द नोबेल प्राइज, सॉरी वो वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज, तो इसमें अमर्त्या सेन, तो अमर्त्या सेन थे, इनको इंडियन थे हमारे और उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, अमर्त्या सेन को। तो 37 और 38 अब आपकी वर्क, सॉरी जीके की जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर लीजिए, और जो आपकी देखिए जो जीके की बुक है उसमें 38 तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और देखिए किस 18 या 19 से मैंने सेम टू का ये चैप्टर स्टार्ट करवाए हैं, 19 या 18, एक मिनट ना मुझे देखने दो। हाँ मैंने ये जो, हाँ हमने 20 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, 20 से, तो 20 से लेके 38 तक आप सभी के कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट वीक में भी आपकी एग्ज़ाम होगी अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में, ओके, तो उसमें आप रीडिंग करते रहिए। तो इसका पेपर भी होगा, वो तो मैं आपको पहले बता दूंगा, बट आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और जिसका भी देखो कोई स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर नहीं देखते वीडियो, तो उनका कोई चैप्टर बाकी रह गया हो जीके में तो मुझको मैसेज करना, तो मैं घर पे होऊंगा या फिर मेरे पास बुक अवेलेबल होगी तो मैं आपको उस चैप्टर के आंसर के फ़ोटो भेज दूंगा, तो आप वो लिख लेना, ओके। तो ये आप कंप्लीट कीजिए आज, थैंक यू।